नमस्कार दोस्तों, मुझसे कई लोग ये सवाल पूछते हैं, सर मैंने ये जॉब ज्वाइन करी है, मैं अपना सैलरी अकाउंट किस बैंक में खुलवाऊं, किस वो अलग अलग बैंकों के नाम लेते हैं। तो मैंने आज इसी के बारे में जिक्र करने के लिए बात करी, क्योंकि आज की डेट में हर बैंक सैलरी पैकेज अकाउंट ऑफर करते हैं, उसके अंदर अलग अलग अट्रैक्टिव स्कीम्स भी वो लोग देते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपको कौन सा बैंक चूज करना है। देखिए, सबसे पहले ये पता लगाइए आपने जो कंपनी ज्वाइन करी है उसका करंट अकाउंट कहाँ है, कहाँ पर वो कंपनी अपने सारे ट्रांजेक्शंस डील करती है। तो आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले उसी बैंक में होगी जहाँ पर आपकी कंपनी डील करती है। होता क्या है, उसके सारे काफ़ी सारे फायदे हैं कि सबसे पहली बात कि वो अकाउंट ओपन करना बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सेल्स पर्सन उस बैंक का जरूर आपके ऑफिस में ही बैठता होगा। तीसरा कि उस बैंक ने कुछ स्पेशल प्रिविलेज भी ले रखे होंगे आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि आपकी कंपनीज का मेन अकाउंट वहीं चलता है। तो मेरा ये कहना है कि जहां पर आपकी कंपनी डील करती है, मेन आपका कंपनी का अकाउंट है, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे SBI हो, चाहे ICICI हो, आप अपना सैलरी अकाउंट वहीं खुलवाएं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी दोस्त या रिलेटिव की फाइल हमें रेफर करते हैं, हम 2% तक का कमीशन देते हैं आपको। फाइल रेफर करने के लिए आप ऊपर दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि SBI कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके बारे में पूरी डिटेल है। वो जानने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।